नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं B और C के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 20 जो है उसको मैंने आपको हल करवाया है और आपको समझाया भी है, आपको कॉपी में हल करने के लिए कहा गया था। अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं त्रिभुज बहुभुज के अंतक कोण। सबसे पहले आपको बहुभुज किसको कहा जाता है ये भी आपको समझ लेने का है। तो अभी बहुभुज के अंतक कोण, इसमें हम लोग देखने वाले हैं त्रिभुज के अंतक कोण। अभी त्रिभुज के अंतक कोण का मतलब क्या है पहले आपको समझ लेने का है। देखो यहाँ पर त्रिभुज ABC ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज के कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये तीनों जो है वो अंतक कोण है। मतलब अंतक कोण मतलब ये अंदर वाले कोण है, अंतक कोण कहा जाता है इनको। तो अभी देखो, आपको मालूम है कि त्रिभुज की जो तीन कोण होते हैं इनके मापों का योग होता है 180 अंश। यानी देखो, माप कोण ABC जोड़ माप कोण BAC जोड़ माप कोण ACB बराबर 180 अंश। यानी देखो, माप कोण ABC जोड़ माप कोण BCA और जोड़ माप कोण CAB, इन तीनों का अगर हम लोगों ने योग किया तो वो कितना आएगा, 180 अंश आएगा। तो इस तरह से ही यहाँ पर भी एक जो तालिका दी है उसका निरीक्षण करना है और उसके बाद हमें निष्कर्ष निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग भुजाओं की संख्या, बहुभुज आकृति का नाम और बहुभुज की आकृति, उसमें आने वाले त्रिभुजों की संख्या और उसके बाद अंतक कोणों के मापों का योग, ये हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग भुजाओं की संख्या, मतलब जिस आकृति की तीन भुजाएं होती है उस आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की आकृति इस तरह से होती है और त्रिभुज को कितने कोण होते हैं, 1, 2, 3, मतलब तीन अंतक कोण होते हैं और तीनों का योग, तीनों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। यहाँ पर कितने त्रिभुज है, सिर्फ एक, यानी त्रिभुज की संख्या एक आई है, इसलिए 180 × 1 किया तो उत्तर कितना आएगा, 180 अंश। यानी यहाँ पर अंतक कोणों के मापों का योग आएगा 180 अंश। उसके बाद दूसरी, भुजाओं की संख्या कितनी है, 4, तो 4 भुजा वाली जो आकृति रहेगी उसको क्या कहेंगे, चतुर्भुज। अभी इस चतुर्भुज में हम लोगों ने यहाँ पर एक विकर्ण डाला है, इस विकर्ण के कारण इस चतुर्भुज के दो भाग बन जाते हैं, तो इसमें दो क्या बन गए, त्रिभुज बन गए हैं। तो इसमें दो त्रिभुज बन गए, मतलब देखो यहाँ पर 1, 2, 3, तो इन तीनों के मापों का योग आएगा 180 और 1, 2, 3, इन तीनों के मापों का योग भी कितना आएगा, 180। यानी यहाँ पर कितने त्रिभुज बन गए, 2, तो यहाँ पर 180 × 2 किया तो कितना आएगा, 360 अंश। उसके बाद आगे 5 भुजाओं वाली आकृति, तो उसको कहेंगे पंचभुज। अभी इसमें कितने विकर्ण डालेंगे, 2 विकर्ण डालेंगे, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज बन गए, 1, 2, 3, यानी 180 × कितना करेंगे, 3 करेंगे, क्योंकि एक त्रिभुज में त्रिभुज के मापों का योग 180 आता है, इसलिए यहाँ पर 3 त्रिभुज हो गए, यानी 180 × 3 कितना आएगा, 540 अंश आएगा। उसके बाद आएगा 6 भुजाओं वाली आकृति, तो 6 भुजाओं वाली जो आकृति होती है उसको षडभुज कहा जाता है। तो अभी देखो, षडभुज 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुजाएं हैं। अभी इसमें भी विकर्ण डालें तो त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 4। अभी यहाँ पर भी 180 × 4 किया तो कितना आएगा, 720 अंश आएगा। उसके बाद 7 भुजाओं वाली आकृति है, उसको सप्तभुज कहेंगे और इसमें भी विकर्ण डाला तो कितने त्रिभुज हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, यानी त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 5। तो इसीलिए 180 × 5 किया तो अंतक कोणों के मापों का योग कितना आएगा, 900 अंश आएगा। उसके बाद 8 भुजाओं वाली संख्या आकृति, उसको कहेंगे अष्टभुज। अभी उसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होने वाली है, 6 होने वाली है, तो 180 × 6 किया तो कितना आएगा, 1080 अंश। इस तरह से हम लोग भुजाओं की संख्या बढ़ाएंगे तो उस भुजाओं की जो आकृति है उसमें त्रिभुज की कितनी संख्या आएगी, तो उसमें 180 गुना उतने त्रिभुज की संख्या अगर हम लोग करते गए तो हमें अंतक कोणों के मापों का योग जो है वो आगे आगे मिलता जाएगा। तो इसके आधार पर समझ लो, कोई आकृति है कि जिस आकृति को कितनी भुजाएं हैं, कितने त्रिभुज बनने वाले हैं, उस आकृति का नाम क्या है ये हमें मालूम नहीं, इसीलिए हम लोग उसको n भुजा वाली आकृति कहेंगे और इसीलिए उस आकृति का नाम रहेगा n भुजा वाला बहुभुज। और उस आकृति को समझ लो, कितने त्रिभुज है मालूम नहीं, इसलिए n ऋण 2, इस तरह से उसकी भुजाओं की संख्या रहेगी और इसीलिए 180 गुना n ऋण 2। तो इस तरह से मतलब
ध्यान दो कि बहुभुज में ऊपर दर्शाए जो त्रिभुज की संख्या है उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या से दो से कम होती है, और इसीलिए एन भुजाओं वाला जो बहुभुज होता है उसके अंत कोणों के मापों का योग 180 गुना एन ऋण 2 आएगा। तो एन क्यों? क्योंकि उसकी भुजाओं की संख्या हमें मालूम नहीं, इसीलिए उसकी भुजाओं की जो संख्या है तो उससे 2 से कम उसके त्रिभुज की संख्या रहेगी। इसीलिए इन बहुभुजा वाले एन भुजाओं वाले बहुभुज के अंत कोणों का मापों का योग 180 गुना एन ऋण 2, कोष्टक में एन ऋण 2 ये उसके मापों का योग रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज त्रिभुज के अंत कोण और उसके बाद जो तालिका दी है उसका निष्कर्ष निकाल कर एन भुजा वाले त्रिभुज के अंत कोणों के मापों का योग भी हम लोगों ने ज्ञात किया है। तो इसके आधार पर हम लोगों को आगे वाला भाग पढ़ना है। तो आपको त्रिभुज के जो अंत कोण है इसकी आकृति बनाकर इस तरह से आपको ये लिखने का है, और ये तालिका जो है ये भी जैसे मैंने आपको वीडियो में बताई वैसे आपको पूर्ण करने की है। धन्यवाद।